तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है सभी का गौरव छा फिटनेस में। तो भाई लोग, आज आपका भाई लेके आया है बाइसेप्स का वर्कआउट। घर में ये अलग वेरिएशन है आपका, अलग तरीके की एक्सरसाइज है, करके देखो आप लोग। इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और सारा का सारा जोर जो है आपके बाइसेप्स पे लगेगा। तो ये बहुत ही की एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो कि आप अगर आपके पास डंबल है तो डंबल से परफॉर्म कर सकते हो। अगर डंबल नहीं है तो यही सारा एक्सरसाइज आप ईट के साथ या पोर्टल के साथ वेट के जगह रख के आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। तो वर्कआउट देखो कोई भी करियो तो इंस्टा पे पूछना गौरव द फिटनेस का इंस्टाग्राम है, मैं उतना लाइन क्लियर कर दूंगा। बाकी आप वीडियो देखो वर्कआउट साथ साथ परफॉर्म करो और बेहतर बाइसेप्स घर पे ही पाओ। तो स्टार्ट करना है भाई हमारा बाइसेप्स का वर्कआउट। जिस दिन वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आपने स्टार्ट करना है, आपको पहले पंप कर लेना है अपने बाइसेप्स को। आपको क्या करना है, उल्टे साइड इस तरह रखना है, कमर से क्लोज रखना है, ठीक है। और जिस तरह पुशअप्स का पोजीशन होता है आपका, सर सामने कोर स्ट्रेट बिल्कुल सीधा रहेगा, थोड़ा नीचे जाओगे बाइसेप्स स्क्वीज होने दोगे, फिर ऑन द वे अप। इससे आपका सारा का सारा टेंशन जो है आपके बाइसेप्स पे पड़ेगा। नीचे थोड़ी नीचे जाओ अप, इसका आप लगाओगे 15 से 20 रेपिटेशन अगर लगा लेते हो, 2 से 3 सेट, बस आपका सिर्फ पुशअप से बाइसेप्स स्टार्टिंग में वार्म हो जाएगा, पंप हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरा और उसके पास एक्सरसाइज जो हम डंबल से परफॉर्म करने वाले हैं, उसमें मैं बता रहा हूं आपने खड़े होकर परफॉर्म कोई सा एक्सरसाइज नहीं करना है, आपने करना है बैठ के करना है। इस तरह आपने बैठ के सर एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। इससे क्या होगा, ये अलग तरीके का ट्राई करने के लिए कह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि भाई खड़े होते हो तो आपको रेंज ऑफ मोशन में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। अगर आप बैठ जाते हो नीचे, अगर जमीन पे आ जाते हो तो आपका कोई चांस नहीं रहता है, सारा का सारा जोर आपके बाइसेप्स से ही लगता है। तो ट्राई करके देखना भाई, मैं भी ट्राई करता हूँ, ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी दिया हमको। तो आप लोग भी ट्राई करके देखो, अगर आपने आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है अगर सिंपल एक्सरसाइज से, तो ये एक्सरसाइज करके देखो। आपने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, अपने इस तरह से बैठ जाना है, आपने रिलैक्स हो के अच्छे तरीके से नीचे, ठीक है, या फिर मैट पे बैठ सकते हो, या फिर अगर कोई कपड़ा है तो बिछा देना, बाकी इस तरह बैठना है आपने, ठीक है। और क्या करना है, पूरा हाथ रिलैक्स रहेगा आपका, पूरा हाथ रिलैक्स, डंबल लोगे या ईंट लोगे जो भी आपके पास प्रोवाइड है, ठीक है, आपका बॉडी पूरा रिलैक्स है भाई। और फिर करना है आपने एक्सरसाइज परफॉर्म, जैसे कि कर्ल कर रहे हो तो कर्ल करेंगे भाई, ठीक है, बाइसेप कर्ल जैसे हम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, देख सकते हो सारा जोर जो है हमारे सिर्फ बाइसेप्स से लग रहा है, ना ही कोई हेल्प मिल रहा है रेंज ऑफ मोशन का, ना ही कुछ मिल रहा है। तो आपने बैक के फॉर्म करना है, पहला एक्सरसाइज आपका हो जाएगा बाइसेप कर्ल। सिंपल एक्सरसाइज करते थे, अभी बैक की ये वाला वेरिएशन ट्राई करो, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको तो ये पहला एक्सरसाइज आपने सिंपल कर्ल से स्टार्ट करना है। और दूसरा आपने लगाना है हैमर, अंदर वाला पार्ट उसके बाद लगाना हैमर। सिंपल जो आप दिख रहे हो, जितना स्लो स्लोली आप रेंज ऑफ मोशन जितना स्लोली रहोगे उतना डिफिकल्ट होगा और उतना रिजल्ट मिलेगा आपको। इस तरह आपने जाना है और स्लोली स्लोली डाउन इस तरह करके आपने फॉर्म करना है। दूसरा नंबर एक्सरसाइज, ठीक है, हमारा हैमर कर लगा, जो कि खड़े होकर आप लगाते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता था। मेरा ये मानना है, अगर आप इस तरह के लगाते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा भाई, ट्राई करके देखना, आप खुद बोलोगे हमें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर एक्सरसाइज देखते हैं भाई, तीसरे नंबर एक्सरसाइज में क्या करना है, हमने अपने बाइसेप्स की लंबाई के लिए इस चीज के लिए काम करना है और थोड़ा बहुत फोरआर्म्स को भी अपने पंप कर लेना है। उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज होगा, बाइसेप डंबल रखेंगे सामने इस तरह से और इस तरह से आ जाएंगे, फिर ऑन द वे अप, ये इस तरह का अपने फोरआर्म्स और प्लस बाइसेप्स की लंबाई पे भी काम होगा। इसका भी लगाएंगे आप 15 से 20 रेपिटेशंस, तो आपका फोरआर्म्स भी अच्छे तरीके से वही पंप हो जाएगा। फोरआर्म्स भी आर्म्स का अच्छा मसल है, आर्म्स अगर आपका फोरआर्म्स तगड़ा होगा तो आपका ऑल ओवर जो बाजू का लुक है वही अलग करके देता है, ठीक है। तो तीसरा नंबर एक्सरसाइज हो गया हमारा, जिसमें कि हमने फोरआर्म्स को भी थोड़ा बहुत एंगेज किया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे भाई अपने सिंपल एक डंबल से करेंगे एक्सरसाइज। आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसा बैठ के एक्सरसाइज करते थे उसी तरह बैठना है, डंबल लेना इस तरह से और ऑल द वे अप, ये इस तरह करके हमने फॉर्म करना है अंदर वाले पार्ट के बाइसेप्स की, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा चौथा नंबर एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए, ठीक है। बैठ के करने से आपको मैं इसलिए कह रहा हूं बैठ के करना, क्योंकि भाई सारा जोर जो आपका बाइसेप्स, मैंने पहले बता चुका हूं सारा जोर आपके बाइसेप्स से ही लगेगा। और करके देखोगे तो हाँ पता चलेगा आपका पूरा बॉडी रिलैक्स है, सिर्फ जोर लग रहा है तो आपके बाइसेप्स से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में भाई, क्या करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज, सुपर सेट लगाना है हमने बाइसेप कर्ल हैमर कर्ल का। इस तरह करके आप दो दो एक्सरसाइज का सुपर सेट बीच में ऐड किया करो, जिससे कि रेस्ट कम मिलेगा और आपका जो वर्कआउट का इंटेंसिटी है वो बढ़ेगा और आपको रिजल्ट मिलने में हेल्प है, रिजल्ट बहुत ही कम टाइम में मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप सिंपली करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, हैमर के साथ बाइसेप कर्ल ऐड कर सकते हो, ठीक है, और इसका लगा सकते हो 11 to 15 रेपिटेशंस, ठीक है। ये आपका सुपर सेट हो जाएगा अंदर वाले पार्ट और बाहर वाले पार्ट के।
ठीक है। तो ये हमारा सुपर सेट बीच बीच में आपने ऐड करना है, एक से दो सेट, ठीक है, एक से दो सेट अपने ऐड करते रहना है, जिससे कि क्या होगा आपका रेप का कोई भी जो बाइसेप्स का जो मसल है वो रेस्ट में नहीं आएगा और अच्छे से उस पर काम होता रहेगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं भाई, हम बाइसेप्स के लिए दोनों डंबल को कर लो कंबाइन, ठीक है, और फिर बैठना ही बैठना ही बैठ करना है आपने, और यहाँ पे आके होल्ड करना है बस, आपने यहाँ पे आके बस होल्ड करो, इतना टाइम होल्ड कर सकते हो, सारा जोर आपके बाइसेप्स पे पड़ेगा, ठीक है। एक सेट आपने करना है और बीच बीच में पुशअप्स वगैरह जो मैंने बताया है पुशअप्स वगैरह भी ऐड कर लो, सारा एक्सरसाइज करो, और अगर राउंडनेस के लिए भी काम करना है तो राउंडनेस के लिए आप इस तरह करके कंसंट्रेटेड कर लगा सकते हो इस तरह करके, ठीक है, और बाइसेप्स के गोलापन पे भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। आपने क्या करना है, सिंपली अपने नी पे रखना है एल्बो को, नी पे नहीं रखते हो तो पूरा रिलैक्स भी छोड़ सकते हो, और ऊपर आना, ऊपर लाना है बाइसेप्स के राउंडनेस को सही करने के लिए, बाइसेप्स के सिर्फ मदद से अपने वेट को लिफ्ट करना है। तो ये सारा एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज, ये वेरिएशन ट्राई करो, नीचे बैठ के आपने पहले कभी नहीं किया होगा ट्राई करो, और बताना भाई को कैसा एक्सरसाइज लगा, कैसा रिजल्ट मिला आप लोगों को, कैसा पंप मिला। देखते अगले वीडियो में आपसे कंटेंट के साथ और अलग टॉपिक, और अलग टॉपिक स्टे से स्टे।